दुश्मने दीन की आवाज़ दबाने के लिए, दुश्मने दीन की आवाज़ दबाने के लिए हैदरी लहजे में लब खोल रही है ज़ैनब, हैदरी लहजे में लब खोल रही है ज़ैनब, और शाम तक जुल्म की हर एक सदा टूट गई, वक्त खामोश हुआ बोल रही है ज़ैनब, वक्त खामोश हुआ, शाम तक जुल्म की हर एक सदा टूट गई, वक्त खामोश हुआ बोल रही है ज़ैनब, वक्त खामोश हुआ बोल रही है ज़ैनब, बाप के लहजे में जब बोली सरे दरबारे शाम। देखिए आपके दरमियान हाज़िरी होती रहती है और बहरहाल एक तालिबे इल्म की हैसियत से फिर एक हाज़िरी कबूल फरमा लीजिएगा। पेश करता हूँ कि हैदरी लहजे में जब बोली सरे दरबारे शाम, भाई का मकसद ज़माने को बहन बतला गई, भाई का मकसद ज़माने को बहन बतला गई, और जुल्म ने रोका बहुत पर हज़रत ज़ैनब के साथ, चलते चलते करबला फर्शे अज़ा तक आ गई, चलते चलते करबला, जुल्म ने रोका बहुत पर हज़रत ज़ैनब के साथ, चलते चलते करबला फर्शे अज़ा तक आ गई। मिटता न कभी शामे गरीबा का अंधेरा, मिटता न कभी शामे गरीबा का अंधेरा, ये शाम वो है जिसका सवेरा नहीं होता, ये शाम वो है जिसका सवेरा नहीं होता, और अच्छा हुआ सूरज को दुआ दे गई ज़ैनब, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता, वरना कभी दुनिया में अच्छा हुआ सूरज को दुआ दे गई ज़ैनब, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता। अब यहीं से आप पूरे तौर पे इतनी हौसला अफजाई की उसके लिए शुक्रिया, और आमादा हैं एक मतला जोहर यहाँ से पेश करता हूँ भाई, एक मतला और खुला लाइजा करिएगा कि बनाया अपने हर हर लफ्ज़ को तलवार ज़ैनब ने, बनाया अपने हर हर लफ्ज़ को तलवार ज़ैनब ने, किए फिर एक खुतबे से 72 वार ज़ैनब ने, किए फिर एक खुतबे से 72 महसूस कर लीजिएगा, बहुत कीमती शेर पेश करता हूँ, किए फिर एक खुतबे से 72 वार ज़ैनब ने, और ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है। मिसरा सुनिएगा, ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है, लिखी है आंसुओं से कहकहों की हार ज़ैनब ने, लिखी है आंसुओं से, ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है, लिखी है आंसुओं से कहकहों की। देखिए यहाँ यकीनन ये वो बस्ती है तारीखी और शेरो अदब के हवाले से कि यहाँ ज़ेरो ज़बर भी परखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि मजलिस है मैं ये चाहूँगा कि तमाम अशार मजलिस से ही मरबूत पेश किए जाएँ, कि पेश करता हूँ कि ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है, लिखी है आंसुओं से कहकहों की हार ज़ैनब ने, और सवाले बैयत फासिक जहाँ तक जा नहीं सकता, सवाले बैयत फासिक जहाँ तक जा नहीं सकता, वहाँ पहुँचा दिया शब्बीर का इनकार ज़ैनब ने, वहाँ पहुँचा दिया शब्बीर का, सवाले बैयत फासिक सवाले बैयत फासिक जहाँ तक जा नहीं सकता, वहाँ पहुँचा दिया शब्बीर का इनकार ज़ैनब ने, और तकब्बुर अपनी ठोकर पर रखा शाही हुकूमत का, तकब्बुर अपनी ठोकर पर रखा शाही हुकूमत का, उतारी उसके सर से जुल्म की दस्तार ज़ैनब ने, उतारी उसके सर से जुल्म की दस्तार ज़ैनब, आपके तमाम तजुर्बात के हवाले ये शेर पेश करता हूँ कि उतारी उसके सर से जुल्म की दस्तार ज़ैनब ने, और सितमगर शाम की सरहद से आगे जा नहीं सकता, सितमगर शाम की सरहद से आगे जा नहीं सकता, बना डाला खते अब्बास को दीवार ज़ैनब ने, बना डाला खते अब्बास को, सितमगर शाम की सरहद से आगे जा नहीं सकता, बना डाला खते अब्बास को, बना डाला खते अब्बास को दीवार ज़ैनब ने, और पसे आशूर सूरज शाम की जुल्मत में खो जाता, किया हर आने वाली सुबह को बेदार ज़ैनब ने, पसे आशूर सूरज शाम की जुल्मत में खो जाता, किया हर आने वाली सुबह को बेदार ज़ैनब ने। अब ये जितनी कुव्वत मेरे अंदर है शेर पेश करता हूँ, शेर को महसूस कर लीजिएगा, किया हर आने वाली सुबह को
बेदार जैनब ने और नहीं जाने दिया एक लम्हा भी सज्जाद से आगे, नहीं जाने दिया, जुहैर शेर सुनना कि नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया एक लम्हा भी सज्जाद से आगे, बंधे हाथों से थामी वक्त की रफ्तार जैनब ने, बंधे हाथों से थामी, नहीं जाने दिया एक लम्हा भी सज्जाद से आगे। या अली या अली, बहुत शुक्रिया भाई। बंधे हाथों से थामी, नहीं जाने दिया एक लम्हा भी सज्जाद से आगे, बंधे हाथों से थामी वक्त की रफ्तार जैनब ने, और असीरी शिद्दत गम और फाकों की नकाहत थी, असीरी शिद्दत गम और फाकों की नकाहत थी, संभाली फिर भी अपने भाई की सरकार जैनब ने, संभाली फिर भी अपने भाई की, असीरी शिद्दत गम और फाकों की नकाहत थी, संभाली फिर भी अपने भाई की, संभाली फिर भी अपने भाई की सरकार जैनब ने। एक सलवार पढ़ दे, उसके बाद एक मतला चंद अशआर और पेश करता हूँ। देखिए, जितने वक्त के लिए मुझे बहरहाल हुक्म दिया गया उतने वक्त में अपनी खिदमत बहरहाल करनी है। पेश करता हूँ कि अहले ईमा ये तारुफ मुख्तसर जैनब का है, अहले ईमा ये तारुफ मुख्तसर जैनब का है, कुल्ले ईमा जिसको कहते हैं पिदर जैनब का है, कुल्ले ईमा जिसको कहते हैं पिदर जैनब का है, और जिसके आते ही जबां पर याद आ जाए अली। पेश करता हूँ कि जिसके आते ही जबां पर याद आ जाए अली, नाम कितने मोतबर उनवान पर जैनब का है, नाम कितने मोतबर उनवान पर जैनब का, यहाँ से शेर सुने, नाम कितने मोतबर उनवान पर जैनब का है, और 14 सदियों से रवा है मजलिसों के काफिले, 14 सदियों से रवा है मजलिसों के काफले, करबला वाले मुसाफिर हैं सफर जैनब का है, करबला वाले मुसाफिर हैं 14 सदियों से रमा है मजलिसों के काफले, करबला वाले मुसाफिर। एक सलवार पढ़ दिया है क़िबला तशरीफ़ ला, एक सलवार पढ़ दीजिए बाबा साहब, आइए एक सलवार और पढ़ दीजिए, कि नाम कितने मोतबर उनवान पर जैनब का है, 14 सदियों से रमा है मजलिसों के काफले, करबला वाले मुसाफिर हैं सफर, सफर जैनब का है, करबला वाले मुसाफिर हैं सफर जैनब का है, और अजमे आबिद की कसम कर्बोबला से शाम तक, अजमे आबिद की कसम कर्बोबला से शाम तक, जुल्म मजलूमी से हारा ये हुनर जैनब का है, मजलूमी से हारा, जुल्म मजलूमी से हारा ये हुनर जैनब का है। और सही आइए नारे माशाल्लाह आ रही है, अभी मैं आपके बोल के फोन कर रहा था। पेश करता हूं कि जुल्म मजलूमी से हारा ये हुनर, अजमे आबिद की कसम कर्बोबला से शाम तक, अपनी पूरी जिम्मेदारी शामिल करते हुए शेर सुन लीजिएगा, जुल्म मजलूमी से हारा ये हुनर, भाई शेर सुनिएगा, ये हुनर जैनब का है, और सैयद सज्जाद तक लाया न बैत का सवाल, सैयद सज्जाद तक लाया न बैत का सवाल, इसका मतलब साफ है जालिम को डर जैनब का है, इसका मतलब साफ है, सैयद सज्जाद तक लाया न बैत का सवाल, इसका मतलब साफ है जालिम को डर, जालिम को डर जैनब का है, इसका मतलब साफ है जालिम, आइए खिबला कि जालिम को डर जैनब का, इसका मतलब साफ है जालिम को डर जैनब का। अपना और आप सबका सच्चा मुशाहिदा आलम के हवाले से शेर पेश करता हूँ, दुआओं से नवाज दीजिएगा, कि सैयद सज्जाद तक लाया ना बैत का सवाल, इसका मतलब साफ है जालिम को डर जैनब का है, और परचमे अब्बास की ऊंचाई ने बतला दिया, परचम में देखे, परचम के हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि परचम अब्बास की ऊंचाई ने बतला दिया, सारी दुनिया जेर है भाई जबर जैनब का है, सारी दुनिया जेर है, बड़े जनाब अनीस साहब तशरीफ ले आए हैं, और बहरहाल अल्लाह इनको सलामत बाते हैं, आपका इंतजार। पेश करता हूं कि सारी दुनिया जेर है भाई जबर,
भाई जबर जैनब का है परचम अब्बास की ऊंचाई ने बतला दिया, सारी दुनिया जेर है भाई जबर। भाई जबर सैयद सज्जाद तक लाया ना बैत का सवाल, इसका मतलब साफ है जालिम को डर। 14 सदियों से रवा है मजलिसों के काफले, करबला वाले मुसाफिर है सफर। जैनब का है और लूटने वाले फिदक के आज तक बर्बाद हैं। शेर सुनिए ना, लूटने तीसरा पेश करता हूं, लूटने वाले फिदक के आज तक बर्बाद हैं और इस कदर लूटने पर भी आबाद घर जैनब का है। इस कदर लूटने पर भी लूटने वाले फिदक के आज तक बर्बाद हैं, इस कदर लूटने पर भी आबाद घर, आबाद घर। देखिए मुझ जैसा तालिब इल्म क़िबला आपके हवाले से, मुझ जैसा तालिब इल्म अगर ये शेर आप तक पहुंचा सका तो बीबी के हक में कबूलियत समझूंगा। शेर पेश करता हूँ, इस कदर लूटने पर भी आबाद घर जैनब का है और तुम रिदाएं छीन सकते हो मगर पर्दा नहीं। तुम रिदाएं छीन सकते हो मगर पर्दा नहीं। साये इनकारे शब्बीरी में सर जैनब का है, साये इनकारे शब्बीरी में तुम रिदाएं छीन सकते हो मगर पर्दा नहीं। साये इनकारे शब्बीरी में सर, साया इनकारे शब्बीरी में सर जैनब का है और करबला बेतेग मारेगी सितम को शाम तक, करबला बेतेग मारेगी सितम को शाम तक। इस तरफ अब्बास थे हमला उधर जैनब का है, इस तरफ अब्बास थे करबला बेतेग मारेगी सितम को शाम तक, इस तरफ अब्बास थे हमला उधर जैनब का। एक सलवात का सहारा दे और आखिरी में एक मतला और चदशा आखिर में और पेश कर, एक सलवात और पढ़ दें बवाज़े बुलंद। कि तुम कहते हो मजलूम पे रोया नहीं जाता, तुम कहते हो मजलूम पे रोया नहीं जाता, फितरत में जो शामिल हो वो बदला नहीं जाता। फितरत में जो तुम कहते हो मजलूम पे रोया नहीं जाता, फितरत में जो शामिल हो वो बदला। देखिए क़िबला काबा हमारे मौलाना सुप्तैन आयतुल्लाह मौलाना सुप्तैन साहब तशरीफ़ ले आए हैं, आप उनके इस्तकबाल में बावज़े बुलंद सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब एक और बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ने हैं उसके पेश करता हूँ। कि तुम कहते हो मजलूम पे रोया, देखिए आमादा हो जाए यहीं से, कि तुम कहते हो मजलूम पे रोया नहीं जाता, फितरत में जो शामिल हो वो बदला नहीं जाता, और क्या वास्ता उन लोगों का जन्नत की ग़िज़ा से, क्या वास्ता उन लोग, बहुत आहिस्ता से शेर पेश करता हूँ, क्या वास्ता उन लोगों का जन्नत की ग़िज़ा से। मजलिस का तबर्रुक जहां क्या वास्ता उन लोगों का जन्नत की गिजा से, मजलिस का तबर्रुक जहां खाया नहीं जाता, और किस शख्स पे ऐसा अबू तालिब का नहीं है। अनीफ भाई लहजा सुन लीजिएगा, किस शख्स पे ऐसा अबू तालिब का नहीं है, और किसके यहां माले खदीजा नहीं जाता, और किसके यहाँ माले खदीजा, किस शख्स पे ऐसा अबू तालिब का नहीं है, और किसके यहाँ माले खदीजा नहीं जाता। देखिए अब तक कोई मतालबा नहीं था, और बहरहाल आपकी दुआएं मुझे नसीब हो रही हैं, लेकिन अपना पूरा हक समझते हुए अजर के तौर पर इस शेर में ज़रूर शामिल हो जाइएगा कि किस शख्स पे ऐसा अबू तालिब का नहीं है, और किसके यहाँ माले खदीजा नहीं जाता, और मासूमाए कौनैन को मजबूर न समझो। मिसरा पेश करता हूँ, मासूमाए कौनैन को मजबूर न समझो, ये सोच भी लेती है तो टाला नहीं जाता, ये सोच भी लेती है तो मासूमाए कौनैन को मजबूर न समझो, ये सोच भी लेती है तो, ये सोच भी लेती है तो मासूमाए कौनैन को मजबूर न समझो, ये सोच भी लेती है तो टाला नहीं जाता। और बात
आए मुहर्रम की तो ये बेच दे औलाद, बात आए मुहर्रम की तो ये बेच दे औलाद। दौलत से आजादार खरीदा नहीं जाता, दौलत से आजादार, बात आए मुहर्रम की तो ये बेच दे औलाद, दौलत से आजादार खरीदा नहीं जाता। और पस्ती से उठा लाए जिसे उल्फत शब्बीर, फिर उसको बुलंदी से उतारा नहीं जाता। पस्ती से उठा लाए जिसे उल्फत शब्बीर, फिर उसको बुलंदी से, यहां से आमादा हो जाए, फिर उसको बुलंदी से उतारा नहीं जाता। और रास आ गया यूहुर को शहादत का कबीला, रास आ गया यूहुर को, रास आ गया यूहुर को शहादत का कबीला, मक्तल की फजा छोड़ के लाशा नहीं जाता। मक्तल की फजा छोड़ के, रास आ गया यूहुर को शहादत का कबीला, मक्तल की फजा छोड़ के लाशा, लाशा नहीं जाता। और इस्लाम को शब्बीर बचा ले गए वरना, इस्लाम को शब्बीर बचा ले गए वरना, मक्तल से पलट कर कोई जिंदा नहीं जाता। मक्तल से पलट कर कोई, इस्लाम को शब्बीर बचा ले गए वरना, मक्तल से पलट। देखिए वहां तक बहुत कीमती शेर पेश करता हूँ, आखिर तक आप हजरा शामिल हो जाएं कि मक्तल से, इस्लाम को शब्बीर बचा ले गए वरना, मक्तल से पलट कर कोई जिंदा नहीं जाता। और खंजर की हर एक जर्ब ने चाहा के जुदा हो, खंजर की हर एक जर्ब ने चाहा के जुदा हो, शब्बीर का सर छोड़ के सजदा नहीं जाता। शब्बीर का सर छोड़ के, खंजर की हर एक जर्ब ने चाहा के जुदा हो, खंजर की हर एक जर्ब ने चाहा के जुदा हो, शब्बीर का सर छोड़ के, शब्बीर का सर छोड़ के सजदा नहीं जाता। और बतला गए नैजों की बुलंदी से 72, बतला गए नैजों की बुलंदी से 72, सर कटते हैं किरदार को काटा नहीं जाता। सर कटते हैं किरदार को, सर कटते हैं किरदार को काटा नहीं जाता। बतला गए नैजों की बुलंदी से 72, सर कटते हैं किरदार को काटा नहीं जाता। और है सूखी जबानों पे पड़े प्यास के छाले, है सूखी जबानों पे पड़े प्यास के छाले, पर शुक्रे इलाही का सलीका नहीं जाता। पर शुक्रे इलाही का, है सूखी जबानों पे पड़े प्यास के छाले, पर शुक्रे इलाही का, पर शुक्रे इलाही का सलीका। आखिरी शेर पेश करता हूँ शहजादी के हक में, आप शामिल हो जाइएगा, उसके बाद इल्तिमासे दुआ कि पर शुक्रे इलाही का सलीका नहीं जाता। इस्लाम को शब्बीर बचा ले गए वरना, मक्तल से पलट कर कोई जिंदा नहीं जाता। मासूमाए कौनैन को मजबूर ना समझो, ये सोच भी लेती है तो टाला नहीं जाता। शेर सुनिएगा, शायद आप तक पहुँच जाए, शेर पेश करता हूँ, ये सोच भी लेती है तो टाला नहीं जाता। और क्यों दामने कातिल से छुड़ाने पे लगे हो, क्यों दामने कातिल से छुड़ाने पे लगे हो, ना हक हो तो फिर खून का धब्बा नहीं जाता। ना हक हो तो फिर खून का, क्यों दामने कातिल से छुड़ाने पे लगे हो, ना हक हो तो फिर खून का धब्बा नहीं जाता। खंजर की हर एक जर्ब ने चाहा कि जुदा हो, शब्बीर का सर छोड़ के सजदा नहीं जाता। हैं सूखी जबानों पे पड़े प्यास के छाले, पर शुक्रे इलाही का सलीका नहीं जाता।